ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ अकादमी सीमा सुरक्षा बल के कमांडो प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित 15वीं अंतर सीमांत कमांडो प्रतियोगिता का समापन लाल तेंदु मोहाती भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 15वीं अंतर सीमांत कमांडो टीम प्रतियोगिता में 10 कमांडो टीम ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में नॉर्थ बंगाल सीमांत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है तथा व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान जम्मू सीमांत के कमांडो आरक्षक मुस्ताक अहमद ने प्राप्त किया, जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय ने ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर राम अवतार सिंह का कहना है कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग सीमांतों से आई 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रत्येक टीम में 24 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्रतियोगिता को देखने के लिए कई लोग बाहर से भी पहुंचे। देखिए, जैसे कि अभी मुख्य अतिथि ने बताया था कि ये 15वां अंतर सीमांत कमांडो प्रतियोगिता है। 14 प्रतियोगिता इससे पहले यही एकेडमी के अंदर हो चुकी है। इस कमांडो प्रतियोगिता का जो आयोजन करने का जो मेन जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जो डेली रूटीन में कुछ इस तरह के अवसर होते हैं सीमा सुरक्षा बल को, कि जिसमें कमांडो ऑपरेशंस करने होते हैं, उसके लिए तैयार करना, और दूसरे जो है टीमों के अंदर एक कंपटीशन की जो प्रतियोगिता की जो भावना है वो पैदा करना होता है। सर, इसमें देश के कहां कहां से लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे कमांडो? इसमें जैसे बताया था कि 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें अगर आप शुरू से अगर करेंगे तो कश्मीर फ्रंटियर से लेकर के और त्रिपुरा तक टोटल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। ये कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग नहीं, एक्चुअली ये ट्रेन्ड कमांडो हैं, और जितनी ये 10 टीमें हैं उन 10 टीमों के बीच में प्रतियोगिता थी, उनमें कंपटीशन था कि कौन टीम जो है बेहतर करती है और पहला दूसरा तीसरा स्थान। सर, किस टीम का बेहतर प्रदर्शन रहा है? जैसा कि आपको बताया है, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर है जिसकी टीम ने जो है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जम्मू की टीम है द्वितीय स्थान पर रही है, और गुजरात की जो टीम है वो तीसरे स्थान पर। सर, एक सवाल है जो हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि हमारा संगठन सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, सीमा सुरक्षा हमारी मजबूत है, लेकिन फिर ऐसा कहाँ चूक हो जाती है कि टेररिस्ट हमारे देश में घुस आते हैं? सर, कहाँ और हमें प्रोटेक्शन की और ज़रूरत है? देखिए, जो सीमा प्रबंधन है, सीमा प्रबंधन एक कंटिन्यूस एफर्ट है, लगातार प्रयास है, क्योंकि जो एक 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 जो प्रोसेस होता है उसके तहत जहाँ पर भी कोई अगर इस तरह का कोई खामियाजा जो कमियाँ होती हैं, उन कमियों को जो है समय समय पर दूर किया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीमा सुरक्षा बल जो है दोनों ही बॉर्डर पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात है और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है।